हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 क्वेश्चन को पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। किंग के 3 क्वेश्चन क्या थे? इसका आंसर है, फर्स्टली ही वॉन्टेड टू नो द राइट टाइम ऑफ एवरी एक्शन, सेकेंडली ही वॉन्टेड टू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर हिम, एंड फाइनली ही वॉन्टेड टू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर हिम। सबसे पहले तो वो जानना चाहता था कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, दूसरा है कि कौन से लोग उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और फाइनली वो यह जानना चाहता था कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है उसके लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, What did he do to get appropriate answer? सही आंसर प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? He announced throughout his kingdom that he would reward anyone who would give him appropriate answers. उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी उसे बिल्कुल सही आंसर देगा वह उसको एक अच्छा इनाम देगा। Third question, Where did the king decide to go and why? तो किंग ने कहाँ जाने का सोचा और क्यों? He decided to go to a wise hermit who lived in the wood to find the right answer to his questions. जब राजा को अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो उसने क्या सोचा था? उसने सोचा था कि मैं एक बुद्धिमान संत के पास जाऊंगा जो कि जंगल में रहता है, और उससे अपने क्वेश्चन के सही आंसर पता करूंगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, Why did the king go to hermit in simple clothes? जो किंग है वो हर्मिट के पास सिंपल क्लॉथ में क्यों जाता है? ये क्वेश्चन है। द किंग वेंट टू द हर्मिट इन सिंपल क्लॉथ बिकॉज द हर्मिट मेट ओनली विद कॉमन पीपल। क्योंकि जो अपने राजा हर्मिट के पास सिंपल क्लॉथ में जाता है क्योंकि हर्मिट सिर्फ सामान्य लोगों से मिलते, वो किसी स्पेशल पर्सनैलिटी से नहीं मिलते थे, वो सिंपल लोगों से मिलना पसंद करते थे, इसलिए राजा सिंपल क्लॉथ में उनके पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, How did the king pass his day with hermit? जब राजा हर्मिट के पास जाता है तो वो अपना दिन उनके साथ कैसे व्यतीत करता है, इसके बारे में हमें आंसर देना है। When the king went to the hermit was digging the ground. जब राजा संत के पास जाते हैं तो उस समय संत धरती को खोद रहे थे। The king started helping him in the digging and in evening he helped a wounded man. तो उस समय वो उनकी खुदाई में मदद करने लगते हैं और शाम को एक जख्मी आदमी आ जाता है जिसकी वो हेल्प करते हैं। इस तरह से पूरा दिन उनका संत के साथ स्पेंड हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वॉज वुंडेड मैन एंड व्हाट वर किंग्स फीलिंग आफ्टर लर्निंग द आइडेंटिटी ऑफ वुंडेड मैन। वो जख्मी आदमी कौन था और जख्मी आदमी की पहचान जानने के बाद राजा को कैसा महसूस होता है? ठीक है। आंसर नंबर 6, द वुंडेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग हु वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग। अब जो जख्मी आदमी था वो राजा का एक दुश्मन था जो कि राजा से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। बट नाउ द वुंडेड मैन वॉन्टेड टू मेक पीस विद द किंग। लेकिन अब वो राजा के साथ शांति स्थापित करना चाहता है। सो द किंग वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए राजा बहुत खुश था। He showed his forgiveness and promised to return him all his property. तो राजा अपनी दया भाव दिखाता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी भी वापिस कर देगा। सेवेंथ क्वेश्चन, When the king asked the hermit for answers of his question again on the next day, how did hermit answer? जब दूसरे दिन राजा संत को अपने क्वेश्चन के आंसर के बारे में पूछता है तो हर्मिट उसको क्या आंसर देते हैं? तो जो संत है वो उसको कैसे आंसर देते हैं? द हर्मिट सेड दैट ही हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो कहते हैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। कैसे? इन द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट द ओनली इम्पॉर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट व्हेन यू हैव द पावर टू एक्ट। तो संत राजा को बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है प्रेजेंट, जब तुम किसी काम को करने की पावर रखते हो। In the answer of the second question, the hermit said that the most important person is the one with whom we are at the present. और सबसे important person कौन सा है? इस question के answer में hermit कहते हैं कि वो इंसान जो present में तुम्हारे साथ है वो सबसे important है। The hermit said in the answer of the last question that the most important thing is to do that person good. लास्ट क्वेश्चन के आंसर में हर्मिट राजा को बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है
जो इंसान तुम्हारे साथ है उसके साथ अच्छा ही करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इस तरह से हर्मिट किंग को उसके सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं और राजा को ये आंसर बिल्कुल ठीक लगते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर समझ आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।